अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आसन ने हेला संडे व्लॉग स्टार्ट शूट किया था, उसके बाद वीडियो को शूट नहीं किया, टाइम नहीं मिला। ऐसा नहीं है कि मतलब मैं कहीं बिजी थी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं लाइक बहुत ज़्यादा पर्सनल लाइफ को डिस्क्लोज नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें चल रही होती हैं जो व्लॉग में नहीं ले सकते, तो यही सब है और इस वजह से मैं व्लॉग नहीं बना सकी। और कुछ ऐसा कुछ था भी नहीं कि मैं शूट करी। और पापा भी बस इधर आ रहे, उधर जा रहे, कामों में लगे हुए, पापा से ही बात करने का टाइम नहीं है, मतलब मैं पापा को भी व्लॉग में नहीं ले सकी हूँ। नाश्ते फिर मिलते हैं, और नाश्ते पर ऐसी कोई बात नहीं होती, मतलब अपनी बातें जो होती होती, उस टाइम मैं क्या ही व्लॉग बनाऊँ। और बस ये तक थोड़ी और तबीयत भी ठीक नहीं, फ्लू बहुत ज़्यादा हुआ हुआ है और अभी गैस आई है, तो खाना भी रेडी कर लिया है यहाँ पे, कपड़े भी मुझे रेडी करने क्योंकि आज संडे है, पापा घर पे हैं और मे भी कुछ प्लान बन जाए बाहर जाने का, तो इस वजह से मैं उठ गई हूँ, तो कपड़े रेडी करके रख लेते अपने मूसा के, क्योंकि अचानक से अगर बनेगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, तो बस खाना रेडी हो रहा है और मूसा जवादपुर के हैं, वो भी घर चला लेगा। और यहाँ हम लोग निकल गए पापा की साइड देखने के लिए, कोई शॉपिंग के लिए। रास्ते बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था, तो सोचा क्यों ना हम लोग कुछ व्लॉग शूट कर लें जब हम ट्रैफिक में फंसे हुए थे, बहुत ज़्यादा ट्रैफिक था। हाय, दूर है, वहाँ काम हो रहे, आ जाए नीचे। देखिए कितना डेंजरस होता है लाइक इस तरह काम करना, बहुत ज़्यादा। लेकिन ये तो दिखाई दे रही है, इतना डेंजरस नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत डेंजरस होते हैं। तो अभी बिल्डिंग पे साइन लगा हुआ है, तो उस तरह से ये सीन है, वरना पोल साइंस होते थे। लाइक मेरे फादर एडवर्टाइज़र हैं, बीच में 7 ईयर्स का गैप है जो नहीं था काम, और ख़त्म हो गया था, रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी, पाबंदियाँ लग गई थी, बंद हो गया था, बैन हो गया था, फिर हम इस्लामाबाद मूव हो गए थे, तो ये सीन था, पोल साइंस ख़त्म हो गए थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह वापस से लीगल हुआ है कुछ, मतलब परमिशंस के साथ लग रहा है, पहले नहीं था लीगल, लग रहे थे लेकिन लीगल नहीं था, अब हो गया है, परमिशंस मिलना स्टार्ट हुई हैं, तो लाइक ये सीन है। तो इतना कोई डेंजरस होता है, मैं ये बता रही थी पोल साइन पे काम करना उसकी लेबर के लिए बहुत ज़्यादा, लाइक मैं छोटी थी और पापा के जो वर्कर्स थे लाइक लेबर थे, उनमें से एक पर्सन की डेथ भी हुई है, फिटर था वो, और ये कोई बात होगी 15 ईयर्स पुरानी, क्योंकि 7 साल तो बीच में काम नहीं था, उससे पहले की ये बात है, तो उसमें ये सीन था कि वो पोल साइन पे चढ़े हुए थे, काम कर रहे थे और उनकी डेथ हुई थी, सेफ्टी थी फिर भी आने वाली थी और उनका हो गया लाइक, लेकिन बहुत डेंजरस होता है, बहुत रिस्की होता है इधर काम करना। ये साइन तो लाइक अभी बिल्डिंग पे, तो उसमें इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं कि मैं उसकी छत पे खड़ी हूँ घर की, और उधर उसका पोल साइन है, ये साइट है, लेकिन जो पहले पोल्स होते थे, पोल्स के ऊपर बोर्ड लगे होते थे बड़े, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्की होता था, लाइक इतने बड़े बड़े बिल बोर्ड्स होते थे, उस पर काम करना बहुत ज़्यादा रिस्की होता था। पापा और जवाब जैसे मूसा जाग रहे हैं, तो यस हम लोग घर से निकल गए थे और अभी हम आए हैं पापा की साइड पे, काम हो रहा है वो देखने आए थे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे कुछ काम से। और जवाब पता कल कुछ है, कल क्या है तुम बताओ क्या है। अच्छा मैं तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रही हूँ, कल क्या है? कल हमारी शादी, जो शादी की पहले एनिवर्सरी है, और कितने साल हो गए हमें? कितने साल हो गए? 13 साल। इसके साल नहीं पूछी मैं, शादी के साल। सही बात है, 5 साल शादी को, और उससे पहले 2 साल ने का, 7 साल हो गए, इतने बड़े बड़ा फील हो रहा है कि इतने बड़े हो गए। ये बड़ा मैं दिखाऊं? हाँ, मैं ब्लैक था और वाइट हो गया हूँ, इतने बड़े। तो मैं क्या मतलब, सबके बाल वाइट हो रहे होते हैं, मतलब उनको तो ना हर वक्त रोना होता है। मेरी चाय, क्योंकि जब हम घर आए थे तो गैस चली गई थी, फिर हमने खाना वाना खाया, उसके बाद हम बैठ गए हैं, और अभी क्या स्टार्ट हो गया, मुझे विश भी नहीं किया, आप कितने बदतमीज़ हैं, आपको याद भी नहीं रहता, तो बस कोई नहीं, आप फ़ोन पे लगे हुए थे, तो आपने मुझे विश तो नहीं किया ना? मैं खुद आई थी। खैर इस ब्लॉग को मैं एंड कर रही हूँ, आप कुछ बोलना चाहेंगे? हैप्पी एनिवर्सरी।
थैंक यू। आपको भी हैप्पी एनिवर्सरी, आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा मुझे भुगतना। हाँ, क्या फरमा रहे थे, आपको कैसा लग रहा है एनिवर्सरी का? बल्कि इसको हम नेक्स्ट ब्लॉक में करेंगे, इस ब्लॉक को हम यही एंड करते हैं, सही है? बहुत बुरी हालत हो रही है, बस हम मिलेंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में। एनिवर्सरी स्टार्ट हो गई है, विश वगैरह करिए, मैनेजर वर्क को रवाद ने मुझको, मम्मी ने, हम लोग दोनों को, और पापा को भी याद भी नहीं, फ़ोन पे लगे हुए जब से घर आए। तो ये रूम से निकला नहीं, हमने खाना खाया, उसको बुलाया, इतनी आवाज़ें दी और निकला नहीं, और चाय देख के फ़ौरन आ गया। खैर, हम मिलेंगे कल इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में अपनी, तो कल ही मिलेंगे क्योंकि मैं कल इंशाल्लाह ब्लॉग शूट करूँगी। मुझे नहीं पता अभी क्या प्लान है, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा ही, तो कल इंशाल्लाह ब्लॉगिंग करेंगे। तो ऐसे मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक अपना ख्याल रखेंगे, कल तो मैं ब्लॉगिंग करूँगी ही, तो चले कल ही मिलते हैं। तो गुड बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़। और हम गए थे 2-3 जगह, हम पापा की साइड पे गए थे, उसके बाद कुछ चीज़ें थी जो इस्लामाबाद लेके जा रही थी, पापा ने वो ले ली थी, तो फिर कुछ मुझे अपने लिए लेना था अपना गिफ्ट, और बस ये सब चीज़ें थी। तो 2-3 चीज़ें चल रही थी, तो बस हम लोग निकले हुए थे मॉल वगैरह। मॉल हम बाद में गए थे, मुझे था मॉल में शूट करने का ज़रा सा टाइम था, क्योंकि बहुत कम टाइम था, जल्दी थी, सब कुछ निपटाना था, तो बस ये सीन था। दोबारा थैंक यू। कितने साल हो गए आपको बताएं? आप बता दें कितने साल हो गए? मुझे क्या पता, आप बताओ। तो आप क्या बच्चे थे जो आपको नहीं याद? 7 इयर्स। हाँ, 7 साल तो हमें निकाह के 7 हो गए ना। निकाह ही होती है शादी। हाँ, लेकिन निकाह नहीं हुआ था आज। बारात हुई। 5 साल। यस, करेक्ट।